50 में 48 ऐसे आप अच्छे वक्ता होकर के इतना मोहल बातें मंच पर बोलना और नौजवानों को उत्साहित करना, उत्प्रेरित करना कि मैं यहाँ जाने नहीं दूंगा, कपड़े उतरा लूंगा, यह कर लूंगा, ये सवाल नहीं है। आप बच्चों को कोई बात नहीं, बस अब हम अपने कार्यक्रम को बस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को जहाँ पर जो हमारे समाज के हैं हास्य नहीं, मैं इनको देख रहा हूँ कि मैं 2500 साल से मैं यहाँ पर शिवसेना का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, जब भी आया हूँ मैं चक्कर के हमेशा आपसे बैठू। आप अपने विचारों को रखें ना कि छोपें, और यदि कोई से कहता है उसको समझाने का प्रयास करने का हमारा जनजागरण करने का उद्देश्य मात्र है। यहाँ पर हम अपनी भाई को थोपने के लिए नहीं आते हैं। अगर ये बच्चे यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ इसी भाव से आए हैं कि हम आपके साथ बैठ करके अपने जो लोग इस संसार जुड़े हुए लोग हैं उनको विचारों को सुने और उनके माध्यम से पहले चले। कृपया आप लोग स्थान को ग्रहण करें। मैं इसका आयोजक हूँ, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए पहले। ऐसा है, हेलो, आप इस स्थान से जाए, मैं करा दू, मैं बंद क्या कर। मैं बाबू मिश्रा हूँ, शिवसेना का अध्यक्ष हूँ और हिंदू जागरण मंच के लिए बैनर के नीचे ये कार्यक्रम हम सभी लोग कर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गत वर्षों की बात, इस वर्ष भी सभी कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम उनके विचारों को नौजवानों के बीच में जन जागरण हेतु आए हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ऐसा मानना था कि देश की आज़ादी के पश्चात 10 वर्ष तक ब्रिटिश शासन यहाँ पर होना चाहिए। ये इतने दूरदर्शी थे हमारे नेताजी कि जिन्होंने बात कही थी कि अगर देश को एकदम से आज़ाद छोड़ दिया जाएगा तो अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटपाट और ये जो आतंकवाद जो देख रहे हैं, अगर नेताजी की बात मान ली जाती तो शायद आज ये सब नहीं होता। जब स्वयं नेताजी के साथ स्पष्ट रूप से अध्यक्ष चुनने के बाद उनको बलपूर्वक गांधी जी द्वारा हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो भ्रष्टाचार तो वही शुरू हो जाता है। और वही भ्रष्टाचार का जो कारण है आज तक किन्हीं रूप में, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे और भी कारण हो, देश की बर्बादी के पीछे नेताजी के सुभाष चंद्र बोस का अगर विचार को समाहित किया होता, इन नेताओं ने उनका पालन किया होता, इन नेताओं ने उनके आचरण पर चलने का प्रयास किया होता तो आज भारत का स्वर्णिम युग होता। कोई भी बात नहीं है, विचारों की बात है। उन्होंने कहा कि भाई नेताजी अमर रहे, उन्होंने कहा नेताजी जिंदाबाद, बात इतनी सी, उसको लेकर कोई भी बात नहीं है।